हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम सौरभ सर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शेड कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग को या पोर्ट्रेट को फ्रॉम अ फोटो लाइक अ फोटो वेरी रियलिस्टिकली, ताकि आपकी ड्राइंग लग सके प्रोफेशनल। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी अच्छे ड्राइंग को बनाने के लिए हमें एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है, यानी कि एक अच्छे आउटलाइन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइगर श्रॉफ के एक फोटो को देखकर अच्छे से एक आउटलाइन सेट कर ली है। आप भी इस इमेज को देखकर अपने स्केच को जितने हो सके उतने एक्यूरेटली बना लीजिए। इसके बाद हमारा मेन काम आता है शेडिंग का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी आइज से। हमने अपने आइज को शेड करने के लिए सबसे पहले एक HB पेंसिल का यूज़ किया है और उससे हमने एक बेस शेडिंग कर दी है। उसी शेडिंग के ऊपर हमने जो डार्केस्ट पेंसिल हमारे पास है, आपको बस दो पेंसिल की ज़रूरत है, एक लाइट और एक डार्क, जितना डार्क हो सके उतना डार्क। तो वो पेंसिल का यूज़ करके हमने हमारे आई की जो डार्केस्ट पार्ट्स है उसको ड्रॉ की और जो लाइटेस्ट पार्ट है उसको छोड़ दी। तो इसके बाद हमारा आई काफ़ी अच्छा लगने लगेगा और डिटेल लगने लगेगा। आप जितना चाहे आई को उतना डिटेल पहले में ही दे सकते हैं, लेकिन हम जो हमारा दूसरे पार्ट्स होंगे उसको डिटेल बनाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। लेकिन आप आई को फर्स्ट स्टेप में ही अच्छे से थोड़ा डिटेल कर सकते हैं, ताकि हमें वो अच्छा लग सके पहले ही। तो सबसे पहले ये काम होने के बाद हम आते हैं हमारे दूसरे काम पे, जो कि है हमारे फेस के जो मेजर प्लेन्स है, हमारे फेस में जो हमें जो मेजर डार्क एंड लाइट एरियाज है उसको डिफाइन करने का। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से एक बार HB पेंसिल का यूज़ करके हमने यहाँ पर जो मेजर प्लेन्स हमारे फेस के उसको बस हैचिंग का यूज़ करके डिफाइन कर दिया। आप थोड़े बहुत पेपर स्टम्प या कॉटन विक्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें स्मजिंग करने के लिए, लेकिन ज़्यादा स्मज पहले स्टेप में ना करें, यही अच्छा होगा। जैसे ही हमारा जो एक बेस जो कि है लाइट एंड डार्क एरियाज डिफाइन कर ले हम अपने HB पेंसिल से, उसके बाद हम अपना जो डार्क पेंसिल है उसको भी किसी किसी जगह पर जो फोरहेड में डार्क एरियाज है, जो आई के नीचे डार्क एरियाज है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें अच्छा इफेक्ट मिल पाए। उसके बाद हमें इसे स्मूद आउट करना है। तो उसके लिए आप कोई भी टूल का जो आपके पास हो, ब्रश का या पेपर स्टम्प का या कॉटन विक का, जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़ कर सकते हैं और जो स्मूथ एरियाज है उसको स्मूथ कर दीजिए। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज़ करना है, अच्छे से आप उसको स्मूदली धीरे धीरे ब्लेंड कीजिए और उसे जितना हो सके उतना कीजिए। ज़्यादा ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो रियलिस्टिक नहीं, काफ़ी आर्टिफिशियल लुक देगा अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देते हैं उस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने फोरहेड के जो सारे कर्व्स है उसको अच्छे से मैंने पेंसिल से शेड करके उभारे हैं, और आप नीडेड इरेजर या कोई भी नॉर्मल इरेजर का भी यूज़ करके जो हाईलाइट एरियाज है या फिर जो बल्ज्ड एरियाज है उसके जो लाइटेस्ट पार्ट है उसको थोड़ा थोड़ा मिटाते भी जाइए, ताकि एक अच्छा राउंडेड लुक हर एक जो बल्ज है उस पर आ पाए। जो फ्लैट एरिया से उसको फ्लैटली शेड कीजिए हैचिंग से, और जो राउंडेड एरिया से उसके एजेस पे ज़्यादा डार्क कीजिए, और जो टॉप पोर्शन है उस पर लाइट थोड़ा सा शेड कीजिए, ताकि वो काफ़ी एक राउंडेड और 3D लुक दे पाए। आप जो उसकी जॉ लाइन को देख रहे हैं, उसके जो राइट जॉ लाइन है उसको आप थोड़ा सा डार्क शेड कीजिए। जैसे ही आपको रेफरेंस में दिख रहा है उसी तरह से आप अपने इमेज में भी उसे शेड कीजिए। और सारे शेडिंग के होने के बाद मैंने अपना जो राइट आईब्रो है उसको भी मैंने शेड कर दिया है, क्योंकि वो बस सिंपल डार्क पेंसिल से हो जाता। लेफ्ट आईब्रो को मैंने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें थोड़े और काम की ज़रूरत है। उसके बाद हम जो अपने माइनर डिटेल्स है फेस के, प्लेन्स की और कर्व्स की, उसको धीरे धीरे हम रिफाइन करते हैं। अपने फेस को हम धीरे धीरे रिफाइन करते जाते हैं,
ताकि उसमें सबसे अच्छा एक रियलिस्टिक लुक आ पाए। हम अपने लिप्स और ईयर्स को भी शेड कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हमारे लेफ्ट आईब्रो पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे रेफरेंस फोटो पे वो जो राइट आईब्रो है उससे थोड़ा हल्का है और वो हल्के से ब्लेंड हो जा रहा है अपने फेस के जो डार्क शेड्स है उसके साथ। तो मैंने क्या किया, HB पेंसिल से सबसे पहले उस पे थोड़े से उसके जो हेयर्स है उसको मैंने डिफाइन किए। उसके बाद हमने उस पे डार्क पेंसिल से अच्छे से उसके डार्क एरियाज़ को दिखा दिए। इस तरह से हम अपने आईब्रोज को भी काफ़ी रियलिस्टिक बना सकते हैं, जो कि ज़रूरत है हमारे पूरे फेस को एक रियलिस्टिक लुक देने की। इसके बाद हम जो आई के नीचे थोड़ी और डिटेल्स बाकी थी उसको हम अपने HB पेंसिल से बना देते हैं। जो और थोड़ी डार्कनेस देनी थी उसको भी हम दे देते हैं। थोड़ी और ब्लेंडिंग और थोड़ी और नीडेड इरेजर से हाइलाइट्स को हम इरेज करके थोड़ा सा उभार देते हैं और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। इसी तरह से हमारे जो फेस की पहली पार्ट थी शेडिंग की, जो कि थी फेस के लाइट एंड डार्क एरियाज को दिखाने की और फेस के जो प्लेन्स है और उसके बल्जेस को दिखाने की, वो ख़त्म हो जाती है। ये था आज की इस ड्राइंग में टाइगर शॉप के फेस को शेड करने का Part 1 वीडियो, जिसमें हमने उसके फेस के जो मेजर प्लेन्स और जो बेस्ट एरियाज थे और जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेयर में हम इसके फेशियल हेयर्स को कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। लेकिन कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। और अगर आपको चाहिए ऐसी और अच्छी पोर्ट्रेट ट्यूटोरियल्स और वाटर कलर वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इंस्पिरेशन आर्ट्स को। मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसी और अच्छी पोर्ट्रेट ड्राइंग एंड लैंडस्केप ड्राइंग वीडियोज़। तो थैंक यू एंड गुड बाय।